सब्सक्राइब कीजिए हमारे मैथ्स फॉर वीकर एंड स्ट्रॉन्गर चैनल को और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए मैथ्स से रिलेटेड लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर वीकर और स्ट्रॉन्गर पर। मेरा नाम सुमन कुंडू है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम आपको सिखाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, समेशन ऑफ ए सीरीज। ठीक है, तो एक जो सीरीज का समेशन कहते सीख करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। अगर हम ये वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है समेशन, मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 1+2+3 करके यहाँ पे डॉट डॉट दिया रहता है ना, मतलब यहाँ पे 5, 6, 7, 8 करके चल रहा है। कौन सा नंबर तक चल रहा है? अप टू एन। एन यहाँ पे किसी भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो उसका समेशन हम कैसे निकालेंगे? तो इसका एक तो फार्मूला है। फार्मूला क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे क्या करना होगा, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं ना आप, 1+2+3 करके यहाँ पे डॉट डॉट है ना, मतलब ये 5, 6, 7, 8 करके डॉट डॉट एन नंबर चल रहा है। एन बार किसी भी नंबर हो सकता है, 50, 100, मतलब यहाँ पर अगर एन का वैल्यू हम 50 पकड़ेंगे, मतलब 1 से लेके 50 तक का अगर प्लस प्लस करते करते जाएंगे तो उसका समेशन क्या होगा, इसका मीनिंग है ये। ठीक है, तो चलिए हम अब करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम लेके दिखाए हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1+2+3+ डॉट डॉट का कितना दूर तक है आपके पास, 15 तक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 15। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए एक नंबर वीडियो में क्या बोल रहा है, हम क्या जानते हैं 1+2+3 करके डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 करके हमको कितना दूर जाना है, 15 तक। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बोला, इसके जगह पे अगर n रहता तो क्या लिखते हम, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसके जगह पे n रहता, देखिए जिसका फॉर्मूला में देख सकते हैं, पर इसके जगह पे है कितना, 15। इसका मीनिंग क्या है, n का वैल्यू है मेरा यहाँ पे 15। तो हम जस्ट पुट कर देंगे 15 × 15+1/2, मतलब 15 × 16/2, यहाँ पे कितना हो गया, 8। 8 × 15 कितना होता है, 120। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, हम 1 से लेके 1+2+3+4+... अब तो 15 तक अगर जाएंगे तो प्लस प्लस करते करते तो मेरा समेशन कितना आएगा, 120। ठीक है, तो चलिए ये आखिर आपको क्लियर होगा। यहाँ पे n का वैल्यू, यहाँ पे 15 है, इसलिए हम यहाँ पे 15 बिठा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट मैथ में क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए बोला है कितना, 10 से लेके स्टार्ट है, 10 से लेके 20 तक का मुझे समेशन पूछा है। ठीक है, तो 10+11+12+13+14+ करते करते कितना दूर तक है, 20 तक हमको प्लस करते करते जाना है। तो देखिए आप एक ठो अगर बात समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे यहाँ पे जगह पे हम n के जगह पे अगर 20 बैठाएंगे तो क्या होगा, 20 × 20+1/2 होगा ना। पर आपका वीडियो में यहाँ पे हम आपका पहला मैथ में हम क्या दिखाएं, 1 से लेके 15 तक का समेशन होता ही है, मतलब यहाँ पे अगर हम 20 × 20+1/2 करेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेके 20 तक समेशन का ये है, ऐड है ये वाला। ठीक है, अब मुझे मांगा कितना है, 10 से, मतलब क्या मुझे 9 तक तो नहीं मांगा है, मुझे क्या 9 तक का, 1 से लेके 9 तक का समेशन नहीं मांगा है। इसका मीनिंग क्या है, ये हो गया मेरा 1 से लेके 20 का समेशन, माइनस होगा यहाँ पे 1 से लेके 9 तक का समेशन, अप टू 9, समझ में आया। ये हो गया मेरा 1 से लेके 20 तक का समेशन, यहां से हम माइनस कर देंगे 1 से लेके 9 तक का, क्योंकि मुझे 10 से मांगा है, 9 तक तो नहीं मांगा है, तो 9 तक मुझे प्लस करके इसके साथ माइनस कर देना पड़ेगा। तो 1 से लेके 20 का समेशन होता है ये वाला, 20 × कितना होगा, 21/2, और यहाँ से लेके 1 से लेके 9 तक के समेशन का क्या होता है, उसके यहाँ पे n के जगह पे कितना है, 9। इसका मीनिंग है 9 × 9+1 10/2। ठीक है, तो जस्ट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, 10 तो 21 × 10 कितना होता है, 210 − 45, तो 5, तो कितना हो गया आपका आंसर,
165। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो इसका आंसर कितना हो गया, 165। तो क्या किया मैंने, एक से लेके 20 तक का समेशन पहले लिख दिया, ये हो गया मेरा एक से लेके 20 तक का समेशन। हमको मांगा कितना है, 10 से लेके 20 तक। इसका मीनिंग क्या है, मुझे एक से लेके 9 तक तो नहीं मांगा है, तो एक से लेके 9 तक का समेशन हम करके उससे माइनस कर देंगे, तभी निकलेगा 10 से लेके 20 तक का समेशन। ठीक है, तो जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आपके सामने होगा। तो ये दो ही एप्लीकेशन एग्जाम में आता है। तो चलिए दूसरा मैथ में हम जाते हैं। दूसरा मैथ में क्या बोल रहा है, जैसे एक से लेके एन तक का हम प्लस करते करते, मतलब ऐड करते करते जाए थे, इसका फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस 1/2। अब क्या, एक का स्क्वायर से लेके एन का स्क्वायर तक ऐड करते करते जाएंगे, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ऐसे करते करते अगर अब एन तक का, एन किसी भी नंबर हो सकता है, इसे का हम समेशन करते करते जाए, तो फॉर्मूला होगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे यह है फॉर्मूला, ठीक है, एन किसी भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे हम क्या बोले हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पे एन का जगह पे कितना है, 15। अब एन का जगह पे हम कितना बैठाएंगे, यहाँ पे 15। मुझे मतलब मांगा कितना है, एक से लेके कितना तक, 15 तक का स्क्वायर करते करते ऐड करते जाना है, उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे एन का जगह पे 15, तो फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, 15 × 15 + 1 × 2 × 15 + 1 डिवाइडेड बाई 6। तो चलिए करते हैं, 15 × 16 × 15 × 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाई 6। इसका अंदर क्या है, 3 और 2, 3 से लेके काटे 5 और 2 से लेके काटे 8। समझ में आया, तो 3 से एक बार काटे 2 एक बार काटे 3। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 40 × 31, तो 0 आ गया, 4 × 1 = 4, 3 × 4 = 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1240। इसका मीनिंग क्या है, एक से लेकर हम 15 तक का समेशन करते करते जाएंगे, मतलब 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 15 तक का स्क्वायर जाएंगे, तो इसका आंसर कितना होगा मेरा, 1240। तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे मांगा है कितना, 10 से लेके 15 तक का समेशन। तो हम करते हैं 10 का स्क्वायर + 11 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 15 का स्क्वायर तक मांगा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 9 तक तो नहीं मांगा है, तो क्या करेंगे, पहले फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 15 × 15 + 1 × 15 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या, डिवाइडेड बाई सॉरी 6 करेंगे तो क्या आएगा, 1 से लेके 15 तक। ये क्या हो गया मेरा, 1 से लेके 15 तक का समेशन। इससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना दूर तक, ना 9 तक का समेशन करके माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि 9 तक का स्क्वायर तो मांगा ही नहीं है, 10 से लेके मांगा है, तो 9 तक का समेशन करेंगे तो क्या होगा, अब इन के जगह पे कितना है, अब इन के जगह पे 9 है। इसका मीनिंग क्या है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, आपको 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो, ये आप लिख सकते हैं, इसकी लाइन को हम दोबारा लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 2 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। एक से लेके 15 तक का स्क्वायर का ऐड रहेगा यहाँ पे, और उससे हम 9 का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा क्या इसका, आपका 10 से लेके 15 तक का। इसका ये तो आपका आप प्रीवियस मैथ में कि 1 से लेकर 15 तक का समेशन कितना होता है, 1240। ये देखिए आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 15 तक का समेशन का कितना स्क्वायर आया था, यहाँ पे ऐड करके आया था, यही है ना 1240। हम वही अब यहाँ पे कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1240 माइनस, यहाँ पे एन का जगह पे कितना है, 9। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 मतलब एन इंटू एन प्लस 1 मनी मतलब यहाँ पे 9 + 1 मतलब कितना होगा, 10 × 2n+1। तो चलिए हम लिख के कर देते हैं, n × n+1 × 2 × n+1 / 6। तो कितना आएगा यहाँ पे, 1240 मतलब -9 × 10 × 9 × 18 = 19 / 6, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 5। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1240 × 15 × 19, तो कितना आएगा, 1215 को 19 से माइनस ये करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 15 = 135। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, 28। ठीक है,
पांच तो कितना आ गया यहाँ पे 285, तो इसको माइनस कर देंगे जस्ट 5, तो जाएगा तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर आ गया आपका 995, 955। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया होगा। ऐसे करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट मैथ जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये यह हो गया आपका स्क्वायर का समेशन। ये आपका लास्ट मैथ में क्या बता रहा है, 1³ + 2³ + 3³। ऐसे करते करते हम अगर n³ तक जाएंगे तो क्या होगा, n किसी भी नंबर हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिखा था ना, n(n+1)/2, मतलब समेशन होगा 1 से लेकर n तक का समेशन, इसका जस्ट क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे क्या बोले, 1 से लेकर 10 तक का। अब इनका वैल्यू कितना आ गया है यहाँ पे, up to 10 का क्यूब। इनका जगह पे हम कितना बता देंगे, 10 × 10+1/2, वो का होल स्क्वायर, 10 × 11/2, पूरा का होल स्क्वायर, कितना आएगा 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का होल स्क्वायर कितना होता है, मेरा स्क्वायर का वीडियो में अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 × 50, 3025। ठीक है, एक तो स्क्वायर का वीडियो हम दिखाए थे, देखिए कितना जल्दी स्क्वायर निकल जाता है, तो अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका लिंक हम डाल देंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरा, 3025। ओके, तो मतलब 1 से लेकर 10 तक अगर क्यूब करते लगे जाएंगे, 1³ + 2³ + 3³ up to 10 का क्यूब करते करते जाएंगे 10 तक, तो इसका ऐड करके आएगा 3025। चलिए लास्ट दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए सब एग्जाम्पल जो है ना, सबका एप्लीकेशन है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, जस्ट एक, यह है दो, यह है तीन, ये तीनों फॉर्मूला के याद रहेंगे तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर क्यूब बा नेचुरल नंबर का समेशन ऐसे निकाल पाएंगे। लास्ट में हमारा क्या बता रहा है, 5³ + 6³ + 7³, ऐसे करते करते 10 का क्यूब आपको करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब करेंगे और 4 से लेकर 4 तक का क्यूब करके माइनस कर देंगे। इसका मीनिंग क्या है, 1³ + 2³ + 3³ up to 10 तक का क्यूब करेंगे, इससे क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे कितना, जिसका आपको एप्लीकेशन दिखा है, यहाँ पे देखा है एप्लीकेशन, यहाँ पे देखे सेम एप्लीकेशन है, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब करेंगे और माइनस कितना दूर करेंगे, जितना दूर तक मुझे नहीं मांगा है, कितना दूर तक नहीं मांगा, 4 तक नहीं मांगा, मतलब 1³ + 2³ + 3³ + 4³, इतना दूरी नहीं मांगा है। तो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हम अभी किए, कितना आया था यहाँ पे, अच्छा ठीक है फिर से कर रहे हैं, 10 × 11 मतलब n(n+1)/2, 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक का क्यूब कितना होगा, मतलब n(n+1) मतलब यहाँ पे 4+1/2, 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया था, 10 × 11/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 × 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 55 का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक तो और फॉर्मूला आ गया, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं भी करेंगे तो छः कोई बात नहीं होगा। देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फेंक भी सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे होगा ये ए, ये है बी, ए प्लस बी, और तो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस ऑफ बी, तो कितना आएगा, 80 × 30, आंसर कितना आ गया आपका, 2400। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए मुझे दिख गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप अगर नहीं समझ रहे होंगे तो ये अब ये भी कर सकते हैं, 55 का स्क्वायर हम अभी किए हैं, 5 × 6 = 3025 आ गया यहाँ पे 55 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 625, 55 का, ये इसका स्क्वायर के ये, इसका बाद सिंपल माइनस कर देंगे हम, देखिए आ गया आंसर। ठीक है, ये तो मुझे दिख गया a+b × a-b, इसलिए मैं कर दिया, इसलिए आप अदरवाइज ये भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम देखिए सेम आंसर आया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका ये बीच बीच में देता है एग्जाम में, आपको कॉमन जरूर मिलेगा, अगर अगर अपने तीनों पैटर्न ठीक से किया होगा तो आपको जरूर कॉमन मिलेगा। ठीक है,
ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर पिछले वीडियो में आप ये अगर मतलब नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन का अगर ये वीडियो स्क्वायर क्यूब का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।